हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले IITM केरला 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारी डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IITM केरला 2025 का डुएट का जो एग्जाम कंडक्ट होता है 1 वीक ऑफ जून 2025 को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला कंटेक यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन DOAT डिजिटल यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड बाय डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। इसका जो एडमिशन प्रोवाइड होता है वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम सच एस MSc, MBA, MTech, MBA एंड PG डिप्लोमा कोर्सेज टू गेट एडमिशन इन MTech कोर्सेज। उसके थ्रू आपको क्वालिफाई कर सकते हो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे गेट, CUET, PSC एग्जाम। फॉर MBA प्रोग्राम्स के लिए गेट, CMAT, GRE, ZET, KMAT एक्सेट्रा। ओवरव्यू के बारे में बात करें, अथॉरिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला, एग्जाम लेवल यूनिवर्सिटी लेवल, एडमिशन बेस्ड DOAT डिजिटल यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट, कोर्स ऑफर करती है MTech, MBA, MCC, PG डिप्लोमा टेस्ट। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन मोड। एग्जाम के डेट्स की बात करें फॉर DOAT, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा 3rd वीक ऑफ जनवरी 2025 को, लास्ट डेट है 4th वीक ऑफ मई 2025, एग्जाम डेट है 1st वीक ऑफ जून, रिजल्ट है 3rd वीक ऑफ जून, क्लासेस स्टार्ट होगी 1st वीक ऑफ अगस्त 2025 को। CUET PSC की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है 4th वीक ऑफ दिसंबर 2025, लास्ट डेट है 2nd वीक ऑफ फरवरी, लास्ट डेट एप्लीकेशन फीस का 2nd वीक ऑफ फरवरी, करेक्शन फैसिलिटी 2nd वीक ऑफ फरवरी 2025, एडमिट कार्ड 1st वीक ऑफ मार्च, एग्जाम डेट 2nd वीक ऑफ मार्च से 4th वीक ऑफ मार्च 2025, रिजल्ट अनाउंस होगा अप्रैल 2025 को। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है 3rd वीक ऑफ जनवरी 2025 को, वो भी ऑनलाइन मोड में। आपको कैंडिडेट का पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, कम्युनिकेशन डिटेल आपको प्रॉपर तरीके से देना होता है। आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के बाद इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आपको फोटोग्राफर सिग्नेचर स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अंदर आपको करेक्शन फैसिलिटी भी देखने को मिलता है। एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है 4th वीक ऑफ मई 2025। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंटआउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ऑनलाइन मोड में होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू इजीली तरीके से पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन का जो फीस होता है नॉन रिफंडेबल होता है। जनरल का 750, SC ST दिव्यांग का 375 रुपीज एप्लीकेशन फीस होता है। PG की बात करें तो जनरल अनरिजर्व का इंडिया का जो पर पेपर का 600 रुपये है, 3 पेपर का 1200, जनरल EWS OBC का 500 रुपये पर पेपर, 1000 रुपये 3 पेपर का, SC ST का पर पेपर का 500, 3 पेपर का 900, PWBD का पर पेपर का 500, 3 पेपर का 800, 6000 रुपये फॉर 3 पेपर सेंटर आउटसाइड इंडिया, 2000 रुपये पर पेपर फॉर सेंटर आउटसाइड इंडिया के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उनके पोर्टल के लिंक पे। वहाँ पे आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रोग्राम ग्रुप अप्लाई करना है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी पे यूनिक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, जिसके थ्रू आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। उसके सारे डिटेल प्रॉपर तरीके से देना होता है, जैसे एक फोटोग्राफ सिग्नेचर स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना होता है। उसके बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल आता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंटआउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री करना पड़ेगा, यानी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। एटलीस्ट आपका 60% मार्क्स और 6.5 CGPA होना चाहिए अबव 10 पॉइंट से, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। मैंडेटरी सब्जेक्ट है मैथ्स, और अगर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन हो तो भी आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, 1 घंटे का पेपर होता है, टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक करेक्ट आंसर पर 4 मार्क्स मिलता है, एक गलत आंसर पर आपको 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाता है। सिलेबस के बारे में बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, स्पेशल एप्टीट्यूड। बेसिक मैथ्स का सिलेबस है सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। BSc लेवल क्वेश्चंस की बात करें तो वह कंप्यूटर बेसिक्स एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसके रिगार्डिंग में हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है, हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।